तो अपने आप को बचाने के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। और देयर इज द सेम कंडीशन विद द बैंकर, बैंकर के साथ भी यही कंडीशन है। अब वो अपने आप को बर्बाद होने से बचाने के लिए क्या क्या सोचता है, अब उसके दिमाग में एक क्रिमिनल आइडिया आ गया, और उस क्रिमिनल आइडिया में क्या कह रहा है कि अपने आप को बचाने के लिए बस एक ही तरीका है कि उस लॉयर को मरना पड़ेगा, उस प्रिजनर को मरना पड़ेगा, और यही एक रास्ता है जिससे सारे मैं बच सकता हूं, राइट। चलिए, अब ये आइडिया इस बैंकर के दिमाग में आ गया है जो आजकल बुरा हो चुका है, और जो आपने भी इस तरह का आइडिया दिमाग में आता है, द क्लॉक हैड जस्ट स्ट्रक 3, द बैंकर वॉज लिसनिंग इन द हाउस, एवरीवन हैड स्लीप एंड वंस यू हियर ओनली द फोन रिंग, वाह, वेटिंग आउटसाइड द विंडो। अब बताया जा रहा है कि जिस समय वो बात सोच रहा था, मतलब कल 15 साल पूरा होने वाला है, एक दिन बाकी है, आज की रात को सोच रहा था, और आज की रात को घड़ी में कितना बजा, 3 बजा था अकॉर्डिंग टू द वॉच ऑफ द बैंकर। घड़ी में कितने बजे थे, 3। उस बैंकर ने अपने कान को खड़ा करके आसपास के आवाज़ को सुनने का कोशिश किया, और उस आवाज़ में सुना कि एवरीबडी वॉज स्लीपिंग एज स्लीप, स्लीपिंग फास्ट, सब लोग सो रहे हैं, देयर वॉज नो साउंड ऑफ ह्यूमन बीइंग कमिंग फ्रॉम द गार्डन एंड कमिंग फ्रॉम द होम, बट द ओनली साउंड ऑफ वाइंडिंग, जो ट्री से हवा निकल के आ रही थी, बस वो हवा का आवाज़ उस बैंकर को उस रात सुनाई दे रहा था जब उसके घड़ी में 3 बज रहा था। Trying to make sound, he took out of his safe the key of the room which had not been opened for 15 years, put on his overcoat and went out of the house. अब ये बैंकर क्या किया, अपने लॉकर को खोला, जिस लॉकर में उसने उस सेल की चाबी रखी थी, जिस सेल में लॉयर बंद था, सेल में जो लॉयर बंद था उस सेल में लॉक भी लगा था, उसकी चाबी उसने अपने लॉकर में डाली थी, और उस लॉकर में से चाबी निकाल कर क्या करता है, अपने ओवरकोट में डाल लेता है, और वो सेल जो पिछले 15 सालों से बंद था, यहाँ पे लिखा हुआ ओपन, मतलब ये हैड नॉट बीन ओपन, 15 सालों से वो ताला नहीं खोला गया था, उसकी चाबी वो निकालता है अपने पॉकेट में डालता है एंड वेंट ऑफ द हाउस, अपने घर से बाहर निकल आता है। बाहर निकल के कहाँ पहुंचेगा, अपने गार्डन में। द गार्डन वॉज डार्क एंड कोल्ड, इट वॉज रेनिंग, अ डैम्प पेनिट्रेटिंग विंड हॉल्ड इन गार्डन एंड गेव द ट्रीज नो रेस्ट। जब वो गार्डन में पहुंचा बहुत अंधेरा था, एंड इट वॉज द टाइम ऑफ रेनिंग टू, उस समय बारिश भी हो रही थी, और जब बारिश हो रही थी तो ऑब्वियसली देयर वॉज अ वाइंड दैट पेनिट्रेटिंग ट्री, मतलब बारिश हो रही थी, हवा में पेड़ इधर उधर झूल रहे थे, उसके पत्ते झूल रहे थे, राइट। दैट इज वाई द राइटर इज सेइंग द ट्री हैज, द ट्री हैज नो रेस्ट, ट्री के पास कोई भी रेस्ट नहीं था, पेड़ इधर उधर झूल रहे थे, बारिश हुई हो ही रही थी। अप्रोचिंग द गार्डन विंग ही कॉल्ड द वॉचमैन ट्वाइस। अब ये बैंकर गार्डन के पास पहुंचता है, और पहुंचने के बाद वहां जो वॉचमैन रहता है लॉयर की निगरानी में, उसको 2 बार पुकारता है, 2 बार आवाज लगाता है। There was no answer. Evidently, the watchman had taken shelter from the bad weather and was now asleep somewhere in the kitchen or the greenhouse. जब वॉचमैन की आवाज बैंकर को सुनाई नहीं पड़ा तो वो सोचने लगा कि शायद वॉचमैन खराब मौसम की वजह से कहीं पर जाकर शेल्टर ले लिया होगा, किसी छाया में जाकर जहाँ बारिश की पानी नहीं आती थी वहाँ अपने आप को छुपा लिया होगा, या फिर कहीं जाकर वो सो गया होगा। और कहीं जाकर कहाँ सोएगा, या तो वो किचन में सोएगा या फिर ग्रीन हाउस में जाएगा, ग्रीन हाउस में जाकर सोएगा। ग्रीन हाउस इज अ प्लेस इनसाइड द गार्डन ऑफ द बैंकर। कौन सोच रहा है, बैंकर सोच रहा है, किसके बारे में सोच रहा है, वॉचमैन के बारे में, कि वॉचमैन कहीं जाकर सो गया हो। अब आगे पढ़ते हैं, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे यहां से, इफ आई हैव द करेज टू फुलफिल माय इंटेंशन,
अब ये बैंकर कह रहा है कि अगर मेरे पास हिम्मत है मेरे इंटेंशन को पूरा करने की, इंटेंशन क्या है, मर्डर करने का इंटेंशन है, मर्डर करने का प्लानिंग है, कह रहे कि अगर मेरे पास हिम्मत है तो मैं अपने इंटेंशन को कंप्लीट करूंगा। कंप्लीट में क्या करेगा, मर्डर करेगा। हाउ द ओल्ड मैन द सस्पिशियस विल फॉल ऑन द वॉचमैन फर्स्ट ऑफ ऑल। मेरे पास हिम्मत है एंड आई कैन किल द लॉयर दैट हैड बीन पुट इनसाइड द सेल। अगर मैं उसे मार दूं तो सबसे पहला शक किस पे जाएगा, उस वॉचमैन पे जो उसकी रखवाली करता है, जो उसका देखभाल करता है, सबसे पहले उसी के ऊपर किसी का डाउट जाएगा और मेरे ऊपर किसी का डाउट नहीं आएगा, वो ऐसा सोच रहा है। इन द डार्कनेस ही ग्रोप्ड फॉर द स्टेप एंड रूम एंड एंटर द हॉल ऑफ द गार्डन इन देन ओपनिंग हिज वे इनटू अ नैरो पैसेज। अब बताया जा रहा है कि अपनी बात को सोचकर वो अंधेरे में अपने कदम को अपने फुट स्टेप को उस दरवाजे तक पहुंचाने लगा जो उस गार्डन में उपस्थित था, जो उस सेल, उस किसी गार्डन में सेल, ये सेल है और इसके पास वो कदम कदम बढ़ाकर जाने लगा साइलेंटली बिना किसी को पोक के। अब आगे क्या होता है, आगे एंड स्ट्रक अ मैच। जैसे चलकर वो उस सेल के पास पहुंचा और जब सेल के पास पहुंचा तो यू नो बहुत सारा अंधेरा था और इसीलिए उसने माचिस की तिल्लियां जलाई कि शायद कुछ रोशनी हो जाएगा, इसलिए उसने माचिस की तिल्लियां जलाई। नॉट अ सोल वाज देयर। जब उसने माचिस की तिल्लियां जलाई उससे कुछ लाइटें आई तो उस लाइट को वहां वो देख पाया वहां पे कोई भी नहीं था, नॉट अ सोल, नॉट अ सिंगल सोल ओवर देयर, कोई भी आत्मा, कोई भी इंसान, कोई भी जानवर उसके आसपास कहीं भी नहीं दिखा, देयर इज नोबडी विद नो वेट लॉस ऑन इट स्टूड देयर एंड एन आयरन स्टोव लुक्ड डार्क इन अ कॉर्नर। जब वो खिड़की से झांका, जिस खिड़की से लॉयर लेटर भेजा करता था उस खिड़की से जाकर जब बैंकर ने अंदर झांका तो देखा समवन वाज ऑन द बेड, समवन्स बेड, मतलब उस रूम में एक बेड लगी है जिस पे कोई बेड सीट भी नहीं है, वहां कोई खड़ा भी नहीं है, लेकिन उस बेड सीट के बगल में, बेड के बगल में एक छोटे सा स्टोव है, छोटा सा स्टोव है। In the corner, and the seals on the door that led into the prisoner's room were unbroken. जब उसने उस सेल के दरवाजे पर ताले को देखा, देखा कि वो ताला अभी तक अनब्रोकन है, मतलब जैसे लगाया था वैसे ही सील्ड है, किसी ने उसको छुआ तक नहीं। When the match went out, the old man trembling from agitation and peeped into the little window. है ना? कहा जा रहा है यहाँ कि जब मैच उसका बुझ गया, माचिस की तिल्ली जब जलाई थी जब वो बुझ गया तब वो क्या किया, वेंट आउट द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन कौन है, बैंकर है। बैंकर कांपते हुए, घबराते हुए उस विंडो के अंदर से झांका, विंडो के अंदर, जब रूम के अंदर वो ओल्ड मैन झांका तब क्या हुआ, इन द प्रिजनर्स रूम देयर वाज अ कैंडल वाज बर्निंग डिमली एंड द प्रिजनर हिमसेल्फ शॉट बाय द टेल। जब उसने उस रूम के अंदर झांका तो देखा कि वहां पे एक कैंडल जली हुई, कैंडल समझते हैं ना, मोमबत्ती, जो बहुत धीमा रोशनी दे रहा था और उस धीमे रोशनी में उसने देखा कि प्रिजनर अपने आप को किसी चेयर पर, टेबल के सहारे बैठा हुआ, मतलब टेबल लगी है और उसके नीचे चेयर लगी है, उस चेयर पर बैठकर वो टेबल के सहारे लेटा हुआ। ऑन हिज बैक द हेयर ऑन हिज हेड एंड हिज हैंड्स वर डिजिटल। जिस कंडीशन में लॉयर बैठा हुआ था उस कंडीशन को देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद बैंकर को केवल उसका पीठ और कुछ बाल और हाथ दिख रहे थे, मतलब वो इस तरह से करके बैठा हुआ था, ठीक है, इसीलिए बैंकर कहता है कि उसका पीठ, उसका हाथ और उसके पीछे वाले बाल नजर आ रहे थे और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ओपन्स बुक वेयर स्ट्रॉन्ग अबाउट ऑन द टेबल एंड द टू चेयर्स एंड ऑन द कार्पेट नियर द टेबल।
उसके अलावा उसके आसपास कुछ भी बुक बिखरे पड़े थे। लॉयर के आसपास कुछ बुक बिखरे पड़े थे टेबल पर, और दो चेयर लगी हुई थी उसके नियर टेबल के आसपास, एक कारपेट भी बिछा हुआ था। एंड द फाइव मिनट्स पास एंड द प्रिजनर इवर वंस स्टियर। जब बैंकर दरवाजे के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद गेट खोली, ताला खोला, और ताला खोलने के बाद वो गेट पर खड़ा रहा कितने मिनट तक, पाँच मिनट खड़ा होने के बाद उसने ऑब्जर्व किया कि प्रिजनर जो चेयर पर बैठा हुआ है उसके बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी मोमेंट नहीं हुआ, मतलब जैसे वो बैठा हुआ था वैसे ही बैठा रहा कंटिन्यूस, राइट। 15 years कॉन्फिडेंट हैड टाउट हिम टू सीट मोशनलेस। अब जब ये आदमी जो लॉयर चेयर पर बैठा रहा, आवाज दरवाजा खुलने की आवाज को सुनकर भी वो जब अपने चेयर से मूव नहीं किया, तब ये बैंकर कह रहा है कि ये 15 सालों की आदत है जिसकी वजह से वो चेयर से उठ नहीं पा रहा है, अपने चेयर पे मोशनलेस लगातार बैठा हुआ है। द बैंकर टैप ऑन द विंडो विद हिज फिंगर बट द प्रिजनर मेड नो मूवमेंट इन रिप्लाई। उस बैंकर ने नॉक भी किया, यूं ऐसे ऐसे खटखटाते हैं, नॉक भी किया, लेकिन उस नॉक को सुनकर भी लॉयर के बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं आई, कोई भी जवाब नहीं आया। कोई जवाब नहीं आया तो क्या हुआ? Then the banker continuously tore the seal from the door and put the key into the lock and rusty lock gave a harsh groan and the door cracked. बैंकर आराम से उस ताले का सील तोड़ा और तोड़ने के बाद 15 सालों से जंग लगी थी, खोला तो हॉर्सी आवाज़ आई, हॉर्सी गैलोपिंग आवाज होता है खटखट की, जब घोड़ा चलता है दौड़ता है उसे खटखटाने की आवाज़ आती है, दैट इज हॉर्सी ग्रोन। दरवाजा जब खोला गया तो एक आवाज़ हुई और उस आवाज़ को सुनकर भी लॉयर के बॉडी में किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नजर नहीं आया। देन द बैंकर एक्सपेक्टेड इंस्टेंटली टू हियर अ क्राई ऑफ सरप्राइज एंड द साउंड ऑफ द स्टेप। 3 minutes passed and it was at twice his height and he had to be he made up his mind to enter. दरवाजा खोलकर दरवाजे पर 2-3 मिनट तक खड़ा रहा बैंकर, और खड़ा रहने के बाद उसे एक सरप्राइज हुआ। क्या सरप्राइज हुआ? कितना सारा आवाज होने के बाद भी ये लॉयर अपनी बॉडी में मूवमेंट क्यों नहीं दे रहा है, इस बात से वो सरप्राइज है। तभी वो उस दरवाजे पर 2-3 मिनट तक खड़ा रहा और धीरे धीरे अपने स्टेप को, अपने कदम को रूम के अंदर लेने लगा, मतलब ही मेड हिज माइंड टू एंटर। उस रूम में एंटर कर जाता है। बिफोर द टेबल सेट अ मैन लाइक अ गॉड इन द ह्यूमन बीइंग, इट वाज स्केल्टन विद अ टाइट ड्रॉन स्किन विद लॉन्ग कर्ली हेयर लाइक अ वुमन्स एंड अ सैग बियर्ड। बताया जा रहा है कि जब वो रूम के अंदर गया, कौन गया? बैंकर। तो उसने देखा कि टेबल पर जो आदमी बैठा हुआ है वो एक ऑर्डिनरी इंसान के जैसा नहीं दिख रहा है, ऑर्डिनरी इंसान के जैसा नहीं दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? तो इट वॉज अ स्केल्टन, मतलब उसके बॉडी का केवल ढांचा दिख रहा है, ढांचा होता है ना हड्डियों का ढांचा, वो हड्डियों का ढांचा स्किन से ढका हुआ है, बट देर इज नथिंग इन द बॉडी, मांस नहीं था बॉडी, बस चमड़ी से उसका हड्डी ढका हुआ था। ये फीलिंग बैंकर साहब कर रहे हैं। इवन उसके जो स्किन थे वो टाइट हो गए, टाइट होना समझते हैं ना, जो ऐसे नहीं, मान लो शर्ट है मेरा ये स्किन टाइट हो गया, हड्डी में एकदम चिपक गया था, वैसा टाइट हो गया। इवन उसके जो बाल थे वो लंबे लंबे और घुंघराले हो गए थे, बिल्कुल औरत के समान। 15 सालों से उसने बाल नहीं कटाया था तो ऑब्वियसली उसका लंबा लंबा बाल होगा और घुंघरेला हो गया था। इवन उसका जो दाढ़ी है वो भी 15 सालों में बहुत घना हो गया था, सैगी लिखा हुआ है ना, क्या सैगी, इट मीन्स बहुत घना होना। उसका दाढ़ी भी बहुत घना था और बहुत बड़ा था। द कलर ऑफ हिज फेस वॉज येलो ऑफ एन अर्थी शेड। बताया जा रहा है कि उसके जो चेहरे का रंग था वो भी पीला पड़ चुका था, ऑफ एन अर्थी शेड हिज चीक्स वेयर शंकेन। अर्थी शेड मतलब कह रहा है कि जो उसके चीक्स थे, उसके जो गाल थे वो पूरी तरह से धंस चुका था। दोस्तों मतलब बुजुर्ग लोगों का जब दांत टूट जाता है तो ऐसे धंस जाता है,
इसी को बता रहा है शंकेन, शंकेन चिक्स, द बैक लॉन्ग एंड नैरो एंड हैंड अपॉन विथ अ लीन इन हिज डर्टी हेड वाज सो लीन एंड स्किनी दैट इट वाज पेनफुल टू लुक अपॉन। अब वो जो अपने चेयर पर टेबल को ऐसे करके बैठा हुआ था उस हाथ को देखकर बता रहे हैं कि देर इज नो एनी प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन दैट इज लोअर। उसके जो हाथ थे वो पूरी तरह से हड्डी हो चुका था, बस स्किन से ढका हुआ था हड्डी। और इस घटना को, इस दृश्य को देखकर बैंकर का दिल कांप जाता है। उसको इस बात का दुख होने लगता है कि क्या कंडीशन हो गया इस लोअर का, जो आज से 15 साल पहले एक 25 साल का खूबसूरत नौजवान हुआ करता था, और ये 15 साल बाद इसकी कंडीशन क्या हो गई है, मतलब ये पहले से भी ज़्यादा बुरा हो गया, लॉयर बैंकर से भी ज़्यादा बुरा हो गया, ऐसा वो सोच रहा है। ऑन द टेबल, सॉरी यहाँ हिज हेयर वाज ऑलरेडी सिल्वरिंग विथ ग्रे एंड नो वन वुड हैव बिलीव्ड दैट ही वाज ओनली 40 इयर्स ओल्ड। अब ये बैंकर उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उसके जो बाल थे वो भी वाइट हो गया था, सफ़ेद हो गया था, सिल्वरिंग कलर बता रहे, सफ़ेद हो गया था। और उसकी कंडीशन को देखकर कोई भी ये बात को विश्वास नहीं कर सकता था कि अभी वो केवल 40 साल का है। 40 साल की ही उम्र में वो इतना बूढ़ा दिख रहा था कि कोई भी आदमी ये विश्वास नहीं कर पा रहा था, कोई भी आदमी विश्वास नहीं करता कि केवल वो अभी 40 साल का। और आगे यहाँ से फ्रॉम हियर ऑन द टेबल बिफोर हिज बेंडेड हेड ले अ शीट ऑफ पेपर ऑन व्हिच समथिंग वाज रिटन इन अ टाइनी हैंड। अब बताया जा रहा है कि जब टेबल पर अपने हेड को लीन करके ऐसे सो रहा था, उसी टेबल पर उस बैंकर को एक पीस ऑफ पेपर दिखा। क्या दिखा? पीस ऑफ पेपर या शीट ऑफ पेपर जिसमें कुछ लिखा हुआ था। उसके पतले पतले छोटे छोटे हाथों से उस पेपर में कुछ लिखा हुआ था और पेपर उस टेबल पर पड़ा। पुअर डेविल, हाउ द बैंकर, ही इज एस्लीप एंड प्रोबेबली सीइंग मिलियन इन हिज ड्रीम। आई हैव ओनली टू टेक एंड थ्रो दिस हाफ थिंग ऑन द बेड एंड स्मूथ हिम विद द पिलो एंड मोस्ट केयरफुल एग्जामिनेशन। अब ये उस पेपर को देखकर बैंकर के दिमाग में आइडिया क्या आया, पुअर डेविल वाली राक्षसी आइडिया आया उसके दिमाग में। और वो सोचने लगा कि ये जो लॉयर है जो ऑलरेडी अधमरा है, अधमरा मतलब बॉडी में कोई जान ही नहीं है, और वो अभी सो भी रहा है, ऐसा लगता है कि वो 2 मिलियन पाने का सपना देख रहा है। बैंकर उसकी कंडीशन को देखकर सोच रहा है कि वो ऐसे करके स्वप्न देख रहा है कि कल 15 साल कंप्लीट हो जाएगा और उसे 2 मिलियन रुपए मिलेंगे, ऐसा वो सपना देख रहा है। ऐसा कौन सोच रहा है? बैंकर सोच रहा है। लेकिन क्या एग्जैक्टली ऐसा होता है? नहीं होता। आई हैव ओनली थ्रो इट हाफ डेड थिंग्स। अब ये बैंकर कह रहा है कि मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये तो आधा मरा हुआ है, इसको क्या करना है, बिस्तर पर लेटा देना है, और बिस्तर पर लेटाने के बाद इसको पिल्लो से या तकिया से इसकी सांस रोक देंगे, मुंह पर लगा देंगे यू नो तकिया, तो इसकी सांस बंद हो जाएगी और ये मर जाएगा। आप समझ रहे हैं? आधा मरा हुआ है ही और आधा मर जाएगा, जब उसको तकिया से दबो देंगे तो वो ऑलरेडी मर जाएगा। And the most careful examination should be there. अब ये examination वाली क्या है? The moment यहाँ से आप देख पा रहे हैं। Moment will find no trace of unnatural death, but first he let us read what he has written. अब ये बैंकर कह रहा है कि जब मैं उसे तकिए से दबाकर मार दूंगा तो किसी को भी ये नहीं लगेगा कि उसकी मर्डर हो गई, सबको उसका फीलिंग, उसका चेहरा, उसका बॉडी देखकर लगेगा ये नेचुरल मर गया, इसकी अननेचुरल डेथ नहीं हुई, नेचुरल मर गया। और देर इज नो एनी केस अगेंस्ट द बैंकर, ये सोच रहा है। कौन सोच रहा है? बैंकर, कि कोई भी उसे अननेचुरल डेथ घोषित नहीं करेगा। सब लोग समझ जाएंगे कि नेचुरली मर गया है, लेकिन उसे मारने से पहले
वो कह रहा है कि फर्स्ट लेट अस रीड, सबसे पहले मुझे पढ़ने दो कि उसने उस पेपर में क्या लिखा है। अब ये बैंकर उस पेपर को उठाकर पढ़ता है। द बैंकर टुक द सीट फ्रॉम द टेबल एंड बिगेन टू रीड। बैंकर उस टेबल पर पड़े हुए पीस ऑफ पेपर, सीट ऑफ पेपर को उठाता है और पढ़ने लगता है। पढ़ता है, क्या पढ़ता है यहां से? Tomorrow at 12 o'clock midnight, I shall obtain my freedom and the right to mix with people. But before I leave this room and see the sun, I think it necessary to say a few words to you. कह रहा है कि कल रात 12 बजे वो अपनी स्वतंत्रता को obtain कर लेगा, प्राप्त कर लेगा, वो लोगों के साथ घुल मिल सकेगा। लेकिन उससे पहले मैं इस रूम को छोड़ दूंगा। आई लीव दिस रूम एंड सी द सन। शर्त कंप्लीट होने से पहले ही लॉयर उस रूम को छोड़ देगा और किससे मिलेगा? उगते हुए सूरज से। उगते हुए सूरज से। एंड देन आई थिंक इट इज नेसेसरी टू से अ फ्यू वर्ड्स टू यू। और इसीलिए मतलब मैं शर्त को कंप्लीट किए बगैर ही इस रूम को छोड़ दूंगा, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना? इट इज नेसेसरी टू से अ फ्यू वर्ड्स टू यू। अब ये यू कौन है? यू बैंकर है जिसे लॉयर को कुछ कहना है। कैसे कहेगा? कम्युनिकेशन का तो ऑर्डर है नहीं, तो लेटर लिख के कम्युनिकेट करेगा। इसीलिए इस लॉयर ने लेटर लिखकर उस टेबल पर रखा है। ऑन माय ओन क्लियर कंसाइज एंड फॉर गॉड हु सीज मी, आई डिक्लेयर टू यू दैट आई डिस्पाइट फ्रीडम लाइफ हेल्थ एंड ऑल दैट योर बुक्स कॉल मी ब्लेसिंग ऑफ द वर्ल्ड। ये उस लेटर में लिखता है कि मैं अपनी बात को क्लियर कर दूं, कंफाइन कर दूं, कंसाइज कर दूं, भगवान को साक्षी मानकर। कहता है कि भगवान जो हमें देखता है, जो मुझे देखता है, उसको साक्षी मानकर मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि मैं 2 मिलियन के बजाय स्वतंत्रता चाहता है, जीवन चाहता है, हेल्थ चाहता है, एंड एवरीथिंग दैट यू हैव गिवन द बुक्स। सब कुछ चाहता है। क्या क्या चाहता है? फ्रीडम भी चाहता है, लाइफ भी चाहता है, हेल्थ भी चाहता है, और वो सारा बुक भी चाहता है जो बैंकर ने लॉयर को दिया था। वो सारा बुक एज अ ब्लेसिंग समझता है। ब्लेसिंग मतलब समझते हैं ना, आशीर्वाद। मतलब उस बुक को पढ़कर जो उसके अंदर नॉलेज आया था, देयर इज अ ह्यूज ओशियन और सी इनसाइड द माइंड ऑफ नॉलेज इन लॉयर बाय रीडिंग अ लॉट्स ऑफ बुक दैट हैज बीन गिवन बाय द बैंकर। इसीलिए वो कह रहा है कि मैं इस दुनिया को अपना आशीर्वाद समझता हूँ, अपना आशीर्वाद। ये सारा फ्रीडम, लाइफ, हेल्थ, बुक, सारा को अपना इस दुनिया का आशीर्वाद समझता है। बट फॉर 14 ईयर्स आई हैव स्टडी और की लाइफ। कह रहा है लॉयर उस लेटर में लॉयर कह रहा है कि 15 सालों तक उसने क्या पढ़ा? अर्थली लाइफ पढ़ा। मतलब अर्थ पर लोग जैसा जीवन जीते हैं वो सारा उसने बुक के माध्यम से पढ़ लिया। एंड ट्रू आई सेड नीदर द अर्थ नॉर द पीपल बट इन योर नोटबुक आई ड्रैंक फ्रैग्रेंट वाइन सैंड सॉन्ग्स 100 ईयर एंड वाइल वो इन द फॉरेस्ट लव्ड वुमन। अब कह रहा है ये लॉयर कि 15 सालों से वो जेल में बंद है और वो बाहरी संसार से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अनजान है, लेकिन फिर भी वो जानता है। क्या जानता है? कैसे जानता है? जो बुक बैंकर ने लॉयर को प्रोवाइड कराए थे, उस बुक को पढ़कर वो जेल में रहते हुए भी संसारिक जीवन को प्राप्त कर रहा था। जेल में रहकर भी बुक को पढ़कर वो संसारिक जीवन को प्राप्त कर रहा था, और बुक पढ़ के ही जैसा नॉर्मल लोग जीवन जीते हैं वैसा उसने जीवन जिया है। कब? बुक पढ़कर। बुक पढ़ के इमेजिनेशन करता था। किसी टाइगर को मारना है तो टाइगर वाला स्टोरी उसने पढ़ा और इमेजिन किया रूम में बैठे बैठे कि टाइगर कैसे मारते हैं ऐसे, नदी में कैसे तैरते हैं ऐसे, इमेजिन किया वो, और इसीलिए वो उसको धन्यवाद देता है। समझ रहे? वो सारा काम करता है बुक पढ़ के। कौन कौन सा काम करता है? ये कहता है फ्रॉम योर बुक आई ड्रैंक फ्रैग्रेंट वाइन।
तुम्हारे बुक को पढ़कर मैंने सुगंधित शराब भी पी है, नॉट एक्चुअल शराब, नॉट एक्चुअल वाइन, बट पढ़ के इमेजिन कर रहा है, बात समझ रहे हैं ना, पढ़ के इमेजिन कर रहा है। उसने कह रहा है कि सुगंधित शराब भी पिया, उसने अच्छे अच्छे गाने भी गाए, उसने डियर को भी, डियर का भी शिकार किया, उसने जंगली जानवरों का भी दर्शन किया, और इवन स्टोरी में वो औरतों से प्यार भी किया, मतलब लव स्टोरी पढ़ा, वो स्टोरी पढ़ पढ़ के वो इमेज में डूब जाता, और इसलिए वो कह रहा है कि उसने औरत से प्यार भी किया। एंड योर बुक्स गेव मी विजडम, तुम्हारी जो बुक जो तुमने मुझे पढ़ने के लिए दिया है वो मुझे क्या देता है, बुद्धि। उन सारे बुक को पढ़ के मैं बुद्धिमान हो चुका हूँ। एंड वुमेन आउट क्रिएटेड इन द सेंचुरीज इज अ कॉम्प्रेस इन माई स्कल, आई नो दैट आई एम क्लेवर दैन यू ऑल। अब ये कह रहा है कि इंसान ऐसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि क्रिएटेड सेंचुरीज इन कॉम्प्रेस इन माई स्कल, बहुत सारे सेंचुरी, सेंचुरी समझते हैं ना, 100 साल के ईयर को सेंचुरीज कहते हैं। और ये लॉयर कह रहा है कि एक इंसान की खोपड़ी में बहुत सारा सेंचुरीज नहीं होता, बहुत सारा सेंचुरी, अगर हम अपनी नॉर्मल बात कर लें तो हमें कितने सेंचुरीज की बात याद होगी, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल की घटना हमें याद है नहीं। लेकिन इस लॉयर को जो बुक पढ़ते पढ़ते इसके पास हजारों साल पुरानी बात भी स्टोर हो गया, बात समझ रहे हैं। और इसीलिए कह रहा है कि मैं जानता हूँ, ये आई लॉयर है और ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि आज मैं तुमसे ज्यादा चालाक हूँ, आई एम क्लेवर देन यू। ये आई है लॉयर और ये यू है बैंकर, लॉयर कह रहा है बैंकर से कि मैं आज तुमसे ज्यादा चालाक हूँ, मैंने अपना 15 साल बर्बाद नहीं किया, मैंने अपने जीवन का 15 साल बर्बाद नहीं किया, मैंने जो बुक पढ़े हैं, मैंने जो किताबें पढ़े हैं, उस किताब को पढ़कर मैं दुनिया के अथाह सागर को प्राप्त कर चुका हूँ और इसीलिए मैं तुमसे ज्यादा चालाक हूँ, राइट। यहाँ एंड आई डिस्पाइज योर बुक्स, डिस्पाइज ऑल वर्ल्डली ब्लेसिंग एंड विजडम, इसीलिए मैं तुम्हारे बुक की कामना करता हूँ, मैं इस दुनिया के आशीर्वाद की कामना करता हूँ, मैं बुद्धिमानी की कामना करता हूँ, बट एवरीथिंग इज विजनरी, सब कुछ देखा जा सकता है, विजिबल है। सो यू बी प्राउड एंड वाइज एंड ब्यूटीफुल, येट डेथ विल वाइप यू फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ लाइक द माइस अंडरग्राउंड। अब ये कह रहा है कि जब मृत्यु आती है, जब इंसान की मृत्यु आती है तो सब कुछ बहा जाता है, सब कुछ मिट जाता है, कोई भी इंसान जब मर जाता है तो उसकी छाया मिट जाती है, बस उसकी यादें रह जाती हैं और वो यादें भी धीरे धीरे धुंधला पड़ जाता है और हम इंसान को भूल जाते हैं। वैसे इंसान को याद रखते हैं जो बहुत ख्याति प्राप्त कर चुका है, बहुत लीजेंड है, बहुत बड़ी बड़ी काम कर चुका है, वैसे इंसान को लाखों वर्ष बीत जाने के बाद भी याद रखते हैं, जैसे हम महात्मा गांधी को आज तक याद रखते हैं, जवाहरलाल नेहरू को याद रखते हैं। लेकिन हम अपना पार्टिकुलर बात करें तो हमारे पिताजी के पिताजी कौन थे, हमारे पिताजी के दादाजी कौन थे, हमें नहीं याद। इसीलिए ये लॉयर कह रहा है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी याद को पोछ दिया जाता है, उसकी याद को मिटा दिया जाता है, उसकी शक्ल को भी इस पृथ्वी पर कोई याद नहीं करता है। वैसे ही जैसे एक चूहा अपने आप को अंडरग्राउंड में छुपा लेता है, होता है ना, चूहा बिल में रहता है और एक चूहा जब बिल में छुप जाता है तो कोई भी उस चूहे को नहीं देख पाता, और इसी बात से ये अपने आप को कंपेरिजन कर रहा है। एंड योर प्रॉस्पेरिटी, योर हिस्ट्री एंड द इम्पोरिटी ऑफ योर मेन ऑफ जीनियस विल बी बॉन्ड डाउन टुगेदर विद द ग्रुप, कह रहा है कि आपके प्रॉस्पेरिटी को, आपके इतिहास को, आपकी इम्पोरिटी को लोग क्या करते हैं, जला देते हैं। इंसानी शरीर बढ़ जाता है तो जला ही देते हैं और उसको जलाने के बाद उसकी याद को भी मिटा दिया जाता है, पूरे ग्लोब पर उसका नाम लेने वाला कोई नहीं होता है जब तक वो इंसान कोई लीजेंड ना हो। आगे देखते हैं क्या होता है। आगे बताया जा रहा है That I may show you, indeed, my contempt for that, my which you leave, I wear the 2 million of
on which I once dreamed as of paradise and which I now despise, that I may deprive myself of my right to them and shall come out from here 5 minutes before the stimulated dog and thus shall violate the prophet. अब इस पैराग्राफ में गोयर कहता है अपने लेटर के द्वारा बैंकर को, अब कह रहे हैं कि आई मे शो यू इन डीड माई कंटेंप्ट फॉर दैट विच यू लीव, मैं तुम्हें ये दिखा सकता हूँ, लॉयर कह रहा है बैंकर को कि मैं तुम्हें ये दिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि जो शर्त तुमने लगाई थी, जो शर्त हमने लगाया था, उस शर्त के 2 मिलियन रगों को वेव करता हूँ, माफ करता हूँ। उस 2 मिलियन रबर को, 2 करोड़ रुपए को लॉयर माफ करता है, कहता है कि मैं वो 2 करोड़ मिलियन नहीं लूंगा जिसकी सपना वो स्वर्ग के समान देखा। 2 करोड़ रुपए का सपना इस लॉयर ने स्वर्ग के समान देखा था, जो आज उसे एक नर्क के समान दिखता है और उसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। इसीलिए वो कहता है कि आई मे डिप्राइव माई सेल्फ ऑफ राइट टू देम, मैं अपने आप को उस 2 मिलियन से दूर रखता हूँ, 2 मिलियन से दूर रखता हूँ, मुझे वो 2 मिलियन नहीं चाहिए। एंड देन आई शैल कम आउट फ्रॉम द 5 मिनट्स बिफोर, इसीलिए ये लॉयर कह रहा है कि जब हमारा एग्रीमेंट, हमारा शर्त का 12 बजेगा, उस 12 बजे से 5 मिनट पहले ही वो उस सेल को, उस रूम को, उस जेल को छोड़कर यहाँ से भाग जाएगा। और जब वो 5 मिनट पहले उस सेल को छोड़कर भाग जाएगा तो शर्त टूट जाएगी और बैंकर को 2 मिलियन देने नहीं पड़ेंगे, समझ रहे ना। 5 मिनट पहले ये लॉयर उस रूम को छोड़कर भाग जाएगा, बिफोर द सिग्नेटेड टर्म एंड थर्ड शैल वायलेट द एग्रीमेंट, 5 मिनट पहले जब ये छोड़कर चला जाएगा तो एग्रीमेंट टूट जाएगी, और जब एग्रीमेंट टूट जाएगा तो देर इज नो वेट एंड देर इज नो मनी, राइट। When he had reached the banker's foot, the seat on the table and kissed the head of the strange man and began to he went out of the ring and never at any time he felt such contempt for himself as now. अब ये बात बैंकर उस लॉयर की चिट्ठी को पढ़कर इतना भावुक हो गया, इतना इमोशनल हो गया कि उसकी आंखों से टीयर्स निकलने लगे, उसके आंखों से आंसू निकलने लगे, वो सोचने लगा कि वो कौन सा पाप करने आया था इधर, जिस व्यक्ति को वो मारने आया था वो व्यक्ति भी उसी के बारे में सोच रहा था, वो एक पाप करने आया था, और इसी बात को सोच सोच कर ये बैंकर रोने लगा, उसके आंख से आंसू नहीं उतर रहे थे। फिर भी वो क्या किया, उस स्ट्रेंज आदमी का जो टेबल पर सो रहा था उसके माथे को छूकर वहां से वापस चला जाता है, वहां से वापस चला जाता है बिना मारे हुए। और आगे क्या कहता है, आगे कहना है कमिंग।